जिलाधीश सेवा प्राधिकरण के आप सेक्रेटरी हैं और आपने जेल का इंस्पेक्शन क्या था और क्या देखने के लिए जिला सेवा प्रमुख? कल हम लोग गए थे जेल, माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार कल जेल का निरीक्षण किया हमने। बेसिकली जेल के निरीक्षण में ये देखना होता है कि जो वहाँ पे कैदी हैं, विचाराधीन बंदी हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको किसी तरीके की जेल प्रशासन की नहीं मिल रही है, सैनिटाइजेशन वगैरह कराया जा रहा है नहीं जा रहा है, क्योंकि आप जैसा हम सभी जानते हैं कि ये कोविड का दौर है, तो बेसिकली इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह प्रोवाइड कराया जा रहा है कि नहीं, सैनिटाइजेशन हो रहा है कि नहीं, जो वहाँ पे बंदी हैं किसी को कोई विधिक सहायता तो नहीं चाहिए। वहाँ पे मेरे द्वारा जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि एक ऐसे बंदियों की सूची दी जाए जिनको, जिनके पास उनके अपने अधिवक्ता नहीं हैं, उनको कोई पैरोकार नहीं, जिससे उनको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जा सके। वहाँ मेरे द्वारा कुछ बंदियों से बात भी की गई, उनका हालचाल पूछा गया कि कैसे हैं, कितने दिन से जेल में हैं, क्यों जेल में हैं। तो कुछ बंदियों द्वारा बताया गया कि साहब मैं जुर्म इकबाल करना चाहता हूँ। मेरे द्वारा वहाँ पे जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि आप ऐसे बंदियों की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध कराएं जो अपने मुकदमे का निस्तारण जुर्म इकबाल द्वारा करना चाहते हैं, जिससे कि जेल में लोक अदालत लगाई जा सके। लोक अदालत लगाने के पीछे न्यायपालिका का क्या उद्देश्य है? लोक अदालत के बेसिकली उद्देश्य ये है कि लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर वादों का निस्तारण किया जाता है। न्यायपालिका या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। बेसिकली उद्देश्य ये है कि लोक अदालत में सुलह समझौते से वादों का निस्तारण होता है, तो किसी पार्टी की जीत और हार नहीं होती है, भिन्न भिन्न सिचुएशन पर रहते हैं और वो मुकदमा हमेशा के लिए निस्तारित हो जाता है। अदरवाइज जब कोर्टों से मुकदमे निस्तारित होते हैं तो ट्रायल कोर्ट से जजमेंट हुआ, फिर अपील पे गया, अपील से फिर हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया, एक लंबा प्रोसेस रहता है और एक जगह मुकदमा निस्तारित होता है तो दूसरी जगह पेंडिंग हो जाता है। तो एक्चुअली वो इसीलिए लोक अदालत लगाया जाता है कि सुलह समझौते के आधार पर मुकदमे निस्तारित कर लिए जाएँ और जिससे सभी समाज में आपस में भाईचारा बना रहे। लोक अदालत में निस्तारित हुए बात की क्या कोई अपील की जा सकती है? लोक अदालत द्वारा चूँकि सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित किया जाता है, इसलिए लोक अदालत पे जो भी वाद निस्तारित होते हैं कोई अपील नहीं होती। लोक अदालत 11 सितंबर को आयोजित है, यहाँ पर बात करने से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से? आगामी लोक अदालत 11 सितंबर को प्रस्तावित है। जो पिछली लोक अदालत हुई है अभी हमारी 10 जुलाई को, बहुत सक्सेस रही हमारी लोक अदालत। आगामी लोक अदालत जो प्रस्तावित है उसके लिए मैं जनपद वासियों से अपील करना चाहता हूं कि आप आगे बढ़कर भाग लें उसमें। जो आपके छोटे छोटे आप अपराध हैं उनको सुलह समझौता के आधार पर दिल बड़ा करके न्यायालय में आएं और गले लगाते हुए जाएं, सुलह समझौते से मुकदमे का निस्तारण करें और लोक अदालत जो एक जनता के लिए लगाई जा रही है उसका भरपूर लाभ उठाएँ। हाँ, लोक अदालत की एक और वह है कि लोक अदालत में अगर लोक अदालत से मुकदमे निस्तारित किए जाते हैं तो उसमें जो कोर्ट फीस अदा की जाती है लिटिगेंट के द्वारा वो वापस की जा सकती है।